नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीईओ 2022 और आरओआरओ 2022 की वैकेंसी काफ़ी समय से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और जब से आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके काफ़ी पहले से ही हम आप सभी लोगों को आरओआरओ 2022 की वैकेंसी के लिए बताते आ रहे हैं कि नवम्बर लास्ट या दिसंबर में इस वैकेंसी की आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। जैसा कि आपको हमने डिटेल में शुरू में ही बता दिया था, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेवेन्यू विभाग और सचिवालय, इनमें से सचिवालय की जो कुछ अधियाचन थे लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए थे। अभी तक जो पदों की संख्या है वो तकरीबन 120-30 के आसपास में है आरओआरओ 2022 की। इसकी वैकेंसी ये मान के चलिए एकदम है कि आपको इस साल में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बड़ी अपडेट है दोस्तों, बिल्कुल भी आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी में लगें और मन से तैयारी करते रहें। दूसरी, इसमें जो पदों की संख्या है, दिन पर दिन जैसे अधियाचन आते रहेंगे या अधियाचन आने की संभावना बनती रहेगी, हम समय समय पर आप सभी लोगों को अपडेट जैसे देते आए हैं आज तक, ऐसे अपडेट देते रहेंगे। साथ ही बात कर लें बीईओ की वैकेंसी को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें, कुछ दिन पहले से ही बीईओ वैकेंसी में काफ़ी लोग बता रहे हैं 150 प्लस है, 200 है, ऐसा कुछ है। तो आपको बता दें कि डेढ़ हफ्ते पहले तक बीईओ की वैकेंसी में जो अधियाचनों की संख्या सूत्रों से जानकारी मिली थी वो 67 के आसपास ही थी। मतलब यही, हाँ ये है कि काफ़ी संख्या में बीईओ की वैकेंसी आएगी, लेकिन उसकी भी एक अपडेट होगी। ऐसा नहीं है कि आएगी तो मैं अभी कह दूँ 700 पदों में आ गया है, ठीक है, आएगी पदों, काफ़ी पदों की संख्या में वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी आपको बता दें कि कुछ नया अपडेट नहीं है बीईओ को लेकर के, लेकिन वैकेंसी रहेगी इस साल और नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को नवंबर तक इसका भी देखने को मिल सकता है, और एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जैसे आरओआरओ का एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। यही एक बड़ी अपडेट है, और आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्त यार से भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जुड़ें, और आप सभी लोग हमारा मनोबल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।